हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके जेपीएससी पीटी में और जेएसएससी सीजीएल में। तो सीजीएल के सिलेबस में सामान्य अध्ययन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें इतिहास के खंड से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और इतिहास में तीन प्रकार के खंडों को हम लोगों को पढ़ना होता है। तो मैं आप लोगों को हर एक खंड से उन सारे प्रश्नों को कराऊंगी जिन प्रश्नों को रिपीट किया जाता है, विगत प्रश्नों में पूछा गया, विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, या फिर जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न हैं। क्योंकि तीनों खंडों में कुछ 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 प्रश्न ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो मैं वैसे प्रश्नों को करवाऊंगी आप लोगों को। क्योंकि प्राचीन भारत में भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से बहुत प्रश्न पूछते हैं। हर चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ खंड ऐसे हैं जहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं। वहीं मध्यकालीन से भी बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो कि हमेशा प्रश्न लिए जाते हैं जहाँ से। और आधुनिक भारत तो खैर कंप्लीट हम लोगों को पढ़ना चाहिए हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को स्पेक्ट्रम से सारी तैयारी करवा दूँगी। तो सामान्य अध्ययन के लिए आज जो मेरा पहला टॉपिक है प्राचीन भारत से, तो इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। क्योंकि प्राचीन भारत के स्टार्टिंग से ही प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, वेदों से, पुराणों से। तो चलिए देखते हैं प्राचीन भारत से आज के कौन कौन से प्रश्न हम लोगों को पढ़ने हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो कमेंट में अपना फ़ोन नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर उनका चलता हो, वो मैसेज कर दें, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। और काफ़ी मिनिमम अमाउंट आप लोगों को पे करना होगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है मुझे तीन चार प्रकार के बुक्स से तैयारी करवाने में। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसा सोचें कि हाँ, मैंने कुछ पे करके लिया है तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो वो सभी सुविधाएं मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूँगी। तो जितने भी मेरे फ्रेंड हैं जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता होगी, वो कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैं खुद कॉन्टेक्ट कर लूँगी और आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत से। जैसा कि सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भारत उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र जितने भी हैं वहाँ तक फैला हुआ है। दक्षिण में पूरा समुद्र ही समुद्र है, तो उत्तर में हिमालय के स्थान से लेकर दक्षिण में समुद्र तक जो फैला हुआ उपमहाद्वीप है, इसे ही हम लोग भारत कहते हैं। महाकाव्यों और पुराणों में इसे भारतवर्ष कहा गया है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने वैसे ही लिखा है। महाकाव्य और पुराण में भारत को भारतवर्ष कहा गया है। और जब यूनानियों ने यहाँ पर अपना उनका आगमन हुआ, तो उन्होंने इस क्षेत्र को इंडिया कहा। तो इंडिया जो नामकरण हुआ वो यूनानियों की देन है। मध्यकालीन जब मुस्लिम इतिहासकार यहाँ पर आए भारत में, तो उन्होंने इस क्षेत्र को हिंदी या हिंदुस्तान कहा। तो अपने अपने अलग अलग प्रकार के लोगों के यहाँ पर जो आगमन होने से उन लोगों ने अपने अपने स्तर से नामकरण किया भारत का। पुराणों में भारतवर्ष कहा गया, महाकाव्यों में भारतवर्ष कहा गया, यूनानियों ने इंडिया कहा और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान या हिंद कहा। तो ये हो गई भारत के नाम की बात कि इसका नाम इतना सारा जो है तो किसके द्वारा रखा गया, किन किन लोगों ने किस किस प्रकार से बुलाया, भारत का नामकरण किया। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के चार स्रोत हैं। हम लोग अगर प्राचीन भारत के इतिहास को जानना चाहें तो हम लोगों के पास चार ऐसे स्रोत हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को इतिहास की जानकारी होती है, प्राचीन इतिहास की जानकारी होती है। वो हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का आक्रमण और उनका जो आगमन हुआ उसमें जो विवरण प्राप्त हुआ वो सब, और पुरातात्विक साहित्य साक्ष्य, पुराणिक साक्ष्य के माध्यम से भी हम लोगों को काफ़ी सारे जो जानकारी है मिलती है। बहुत रिसर्च होते ही रहते हैं, लगातार होते हैं। तो जो पुरातत्व की खुदाई में या फिर जो कुछ भी मिलता है निरीक्षण में, तो उससे हम लोगों को काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं।
और यहाँ से ही बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस खंड से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है, प्राचीन ग्रंथ वेद है, और ये रचित है वेद व्यास के द्वारा। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वेद व्यास द्वारा इसकी रचना की गई है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुदेव कुटुंबकम बहुत चर्चित स्लोगन है, काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो इसका कहाँ से आया ये उपदेश, कहाँ से मिला? तो वेद से मिला। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चार वेद हैं, और इन चारों वेदों को मिलाकर ही संहिता भी कहा जाता है। तो वेदों को ही संहिता भी कहते हैं। अब हम लोग ऋग्वेद से देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं ऋग्वेद की, और ऋग्वेद खंड से काफ़ी सारा प्रश्न आता है एग्जाम में। ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है ऋग्वेद, ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10462 ऋचाएँ हैं। इसे आप लोग रट जाएंगे। ये वो प्रश्न है जो हमेशा ऋग्वेद से पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10462 ऋचाएँ हैं। जो ऋचाएँ हैं उन्हें जो पढ़ते हैं उसके पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। तो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हम लोगों को गायत्री मंत्र मिलता है। तो गायत्री मंत्र भी पूछा जाता है किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में, और ये विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। वहीं ऋग्वेद के नौवें मंडल में देवता सोम के बारे में उल्लेख मिला है, वर्णन मिला है। सोम का वर्णन कहाँ से मिला है? तो नौवें मंडल में। और आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं और इन ऋचाओं को खिल कहा जाता है। हर एक शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है, शब्दों से ही प्रश्न बनाकर पूछ लिए जाते हैं। दसवें जो मंडल है ऋग्वेद का, दसवां मंडल, उसमें चार वर्णों के बारे में कहा गया है, जो समाज के चार वर्ण हैं। तो ये चार वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि जो ब्रह्मा हैं, पुरुष, जो प्रथम पुरुष हैं, ब्रह्मा जिन्हें कहा जाता है, उनके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, उनकी जिंघाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, ये भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, माफ़ कीजिएगा, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय, मुख से ब्राह्मण, और ब्रह्मा की जिंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र के लिए 250 ऋचाओं को रचा गया है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना हुई है। अब हम लोग यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऋग्वेद में भी मंडलों के से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने मंडल हैं ये सब। इसमें यज्ञों के नियमों का सस्वर पाठ और बलि के नियमों का विधान है। यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ काफ़ी महत्वपूर्ण है। यज्ञ के नियमों का सस्वर पाठ किया जाता है, बोल बोल कर पाठ किया जाता है। इसमें बलि का भी प्रावधान है, यज्ञ में बलि दी जाती है और बहुत ही नियम विधान इसमें इसका पालन किया जाता है। जो यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता होते हैं उन्हें अथर्वयु कहा जाता है, अथर्वयु। यह गद और पद दोनों में है। तो यजुर्वेद जो है ये दोनों ही शाखाओं में है, गद और पद। अब हम लोग सामवेद के बारे में जानते हैं। सामवेद का सबसे जो सटीक अगर हम लोग कहें तो साम का अर्थ होता है यहाँ पर गान। साम का अर्थ क्या है? तो गान है। यज्ञों में जो मंत्रों का उच्चारण होता है काफ़ी लयबद्ध तरीके से होता है, काफ़ी लयबद्ध बोला जाता है मंत्रों को, तो ऐसा लगता है कि गायन किया जा रहा है। तो यज्ञों के समय मंत्रों को गाकर बोला जाता है था, इसलिए पाठकर्ता जो होते हैं सामवेद के उसे उद्रात्र कहा जाता है।
तो उद्रात्र किसे कहते हैं? तो सामवेद के जो मंत्रों के पाठकर्ता होते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद को। अब हम लोग देखते हैं अथर्ववेद को। ये अथर्व ऋषि द्वारा रचित है, इसीलिए इसका नाम भी अथर्ववेद है। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि ने की थी। इसमें 731 मंत्र हैं, 6000 पद हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ये अथर्ववेद जो है, इसमें बहुत ही अंधविश्वास, जादू टोना, सामाजिक कुरीतियाँ, ये सब पूरी बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिली। इसमें कन्या जन्म को बहुत निंदनीय कहा गया। अगर कन्या का जन्म हुआ तो बहुत ज़्यादा उसे दुखद माना जाता था। मानवीय जीवन के सभी पक्षों, जैसे गृह निर्माण, कृषि, व्यापार, विवाह, राजभक्ति, राजा का चुनाव, रोग निवारण, संपूर्ण मानव जीवन के क्षेत्र में जितने भी प्रकार के आवश्यकताएं हैं या भाग हैं, उन सब का वर्णन इसमें मिलता है। इसमें से पूछा जाने वाला प्रश्न ये है, सभा और समितियों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ये अथर्ववेद से संबंधित है। सभा और समिति से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, हम लोग पुराणों के बारे में जानेंगे। पुराण और संबंधित वंश, ये कभी मिलान करने के लिए आता है, कभी डायरेक्ट ही किसी से पूछ लिया जाता है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है, वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है, वहीं वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। इन सभी में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। सेपरेट पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, पुराण से मत्स्य पुराण सबसे ज़्यादा प्राचीन पुराण है, पुराणों में सबसे प्राचीन। वेदों को समझने के लिए, अब वेदों पुराणों के बारे में हम लोगों ने जाना, अब जो वेद हैं हमारे, इनको समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। चारों वेद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अब उन्हें समझने के लिए, इतनी आसानी से समझ में नहीं आते, इन्हें 6 वेदांगों की रचना की गई इन्हें समझने के लिए। ये वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये वेदांग हैं जिनकी रचना की गई वेदों को समझने के लिए। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, वेदांग कितने हैं, पुराण कितने हैं, वेदांग कौन कौन से हैं? तो 6 हैं हम लोगों ने जाना, और कौन कौन से हैं? तो ये सब हैं। ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो पुराणों में मिलता है। पुराणों में कथाओं के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई गई हैं, और इसके जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष या इनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। ये सभी ऋषि मुनि हुआ करते थे, इनके द्वारा ही पुराणों की रचना की गई है। ये भी पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुराण कितने हैं? तो पुराण 18 हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण पुराणों का नाम हम पढ़ते हैं, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत आदि प्रमुख पुराण हैं। ऐसे पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें ये सभी जो पुराण है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुराण है, इसका हमेशा से अध्ययन होता आया है। अधिकतर पुराण संस्कृत श्लोक में है, ज़्यादातर पुराणों में जो बातें हैं वो श्लोक के माध्यम से कही गई हैं, और वो भी संस्कृत में। पुराणों को स्त्रियां और शूद्र नहीं पढ़ सकते, वे केवल सुन सकते हैं, इसका पाठ पुजारी करते हैं। पुराणों को स्त्रियां और शूद्र नहीं पढ़ सकते, स्वयं नहीं पढ़ सकते, वो सुन सकते हैं, पाठ को सुन सकते हैं, और ज़्यादातर मंदिरों में पुजारी ही पुराणों का पाठ करते हैं, या फिर अन्य स्थानों पर भी पुजारी ही पाठ करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। सेपरेट टाइप से पूछा जाने वाला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी कहा गया है स्त्री को। अब स्मृति ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति, और इसकी रचना हुई थी सुंग काल में। मनुस्मृति काफ़ी महत्वपूर्ण है प्राचीन भारत में, ये एक स्मृति ग्रंथ है, और इसकी रचना सुंग काल में हुई थी, इसे भी याद रखेंगे। जातक में
बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है। जातक जो ग्रंथ है उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, पूर्व जन्म की। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो कथावस्तु। कथावस्तु जो प्रमुख ग्रंथ है वो हीनयान का है और इसमें बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। तो हम लोग ये सभी जो है मैंने बिल्कुल तथ्य बताया है जो प्रश्न के रूप में परिणत होकर आते हैं एग्जाम में। इसके आगे भी थोड़े बहुत से और बच गए हैं प्रश्न, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी और फिर अगला टॉपिक भी साथ साथ स्टार्ट करा दूंगी। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता होगी वो कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर अवश्य दें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कोई डाउट हो तो अवश्य पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सीजीएल के ही एक अन्य टॉपिक को देखेंगे उसमें भी। धन्यवाद।